जय मसीह की। 80.79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। जय मसीह की गाइस। बहुत बार हम घर के अंदर जब गाजर और चुकंदर का जूस निकालते हैं तो हमारी मिक्सी में क्या है, उसका बचा हुआ मटेरियल जो है बच जाता है। जो गाजर और चुकंदर का जूस निकालने के बाद जो बचता है, आज हम उसी से एक क्या है, एक रेसिपी तैयार करेंगे। गाइस मैंने इसको एक जगह एक बर्तन के अंदर निकाल लिया, सारे को मैंने क्या है बर्तन के अंदर निकाल लिया और मैंने गैस भी क्या है ऑन कर दी है, गैस भी ऑन कर दी है और मैं अब इसको जैम बनाकर तैयार करेंगे। पहले जो इस गाजर और चुकंदर के अंदर जो पानी है उसको हम सुखाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको सुखाते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए और जब ये पकने लगेगा तब हम गाइस इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पकने लगा है। इस तरीके से इसको हमने इसका पूरा पानी सुखाना है और फिर उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये अब पकने लगा गाइस, इसका पानी भी क्या है सूखने लगा है। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है गाइस, जैसे कि गाजर का हलवा बनता है इस तरीके की। और ये इस तरीके से हमने पूरा पका लेना है। मैं इसको देखती हूँ, चेक करती हूँ इसमें से पानी, हाँ थोड़ा सा पानी और रहता है, इसको भी हम सुखा लेंगे। गाइस इसका पानी सूख गया है, ये देखिए गाजर और चुकंदर का पानी सूख गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, एक कप चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से चीनी डालिएगा और मैंने भी अपने हिसाब से चीनी डाल दी। अब हम इसको और ज्यादा पकने देंगे, हमारा ये बहुत ही अच्छा जैम बनके तैयार होगा गाइस, बहुत पसंद आएगा बच्चों को, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको और थोड़ी देर फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे और इसको पकने देंगे। ये हमारा जैम इस तरीके से बनके तैयार। तो गाइस हमारा ये जैम बनकर तैयार हो गया। लीजिए गाइस हमारा जैम बनके तैयार हो गया, हम चेक कर लेते हैं इसको प्लेट पे डाल के हम देखते हैं। ये देखिए गाइस इस तरीके से हमारा जैम बनके तैयार हो पूरी तरीके से हो गया कि आप देख रहे हैं कि प्लेट पे मैंने रखा है इसको और ये एकदम नीचे से नहीं आ रहा है, ना ही इसके अंदर से पानी निकल रहा है, ये जैम की फॉर्म में तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम जैम बनाकर तैयार करते हैं और इस तरीके से हम इसको मैं आपको ब्रेड पे लगा के भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस और कितना अच्छा जैम बनके हमारा ये तैयार हुआ है। इसे बड़े खाएं, बच्चे खाएं, सबको बहुत पसंद आया गाइस। और घर के बने हुए जैम का अलग ही टेस्ट है, अलग ही मजा है। ये देखिए गाइस कितना अच्छा बना है, मैं इसको अपने बेटे को खिला के दिखाती हूँ, वो बताएगा। लीजिए गाइस घर के अंदर गाजर और चुकंदर का जैम बनकर तैयार हो गया। तो आप जरूर से मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये जैम। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।